स्वागत है साथियों आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ओनर के डिवाइस में ऑनलाइन थीम्स को कैसे डिसेबल किया जाए। हम यहाँ पे थीम्स पे क्लिक किए तो ये देखिए ऑनलाइन थीम्स हमें शो कर रही है, तो इसे हम कैसे डिसेबल करें ताकि हमें डायरेक्टली अपना थीम प्राप्त हो जो कि हमने ऑफलाइन सेव किए हुए हैं। तो इस फीचर को डिसेबल करने के लिए हम इस ट्रिक्स को अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्ले स्टोर में जाएंगे और फिर से हम सेटिंग डाटाबेस एडिटर को डाउनलोड करेंगे। सेटिंग्स डाटाबेस एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे और इसे डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ऐड न्यू सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग टाइप करेंगे थीम नो ऑनलाइन। आप स्पेलिंग सही से डालिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू हम कर देंगे ट्रू जो कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए और इसको सेव कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग थीम सेटिंग्स में, देखते हैं ये थीम सेटिंग में, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी मौजूद है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई भी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से देखेंगे। तो चलिए फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं। तो हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है और अब हम फिर से थीम सेटिंग्स में चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे कि ऑनलाइन थीम डिसेबल हुई है या फिर नहीं। तो आ गए हम थीम सेटिंग्स में और देखिए ये हमारा जो है लोकल थीम शो कर रहा है और ऑनलाइन थीम्स जो है डिसेबल हो चुकी है। तो इस ट्रिक्स से आप अपने ऑनलाइन थीम्स को डिसेबल कर सकते हैं और आप उसके बाद लोकल थीम्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप इस ऑनलाइन थीम्स की फैसिलिटी को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोसेस करना होगा। आपको जाना होगा सेटिंग्स डाटाबेस एडिटर में और थीम नो ऑनलाइन जो हम लोगों ने ऐड किया था वहाँ पे जाना होगा। थीम नो ऑनलाइन आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, थीम नो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे फॉल्स और उसको सेव कर लेंगे। तो फिर से जो है हमारे ऑनलाइन थीम्स वहाँ पे शो होने लगेंगे उसको रीस्टार्ट करने के बाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।